फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य सीके आर्यन आज आप लोग के लिए अनुच्छेद के पार्ट टू वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। हम यहाँ पर लिखे हैं बाबू, मात्र एक ही वीडियो में सभी पर्व का अनुच्छेद समाप्त, यानी कि जो भी पर्व है, दीपावली है, होली है, ईद है, दशहरा है या सरस्वती पूजा है या छठ है, सब पर्व एक ही वीडियो में क्या होगा, समाप्त होगा। कुछ ही जगहों पर आप लोग को कुछ चेंजिंग करना है और सब वही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव होती, हमारे देश में अनेक उत्सव है, या आप होली लिख लीजिए, या दीपावली लिख लीजिए, या छठ पूजा लिख लीजिए, सब में तो भाई वही लिखिएगा कि हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। उसके बाद तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, उसमें दीपावली सर्वोत्तम पर्व है। हम यहाँ पर दीपावली के बारे में लिखे हैं, लेकिन अगर आप लोग होली पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे तेसु होली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, उसमें होली सर्वोत्तम पर्व है, या आप ईद पर लिखेंगे तेसु ईद सर्वोत्तम पर्व अस्ति, या दशहरा पर तेसु दशहरा सर्वोत्तम पर्व अस्ति, या छठ पर तेसु छठ सर्वोत्तम पर्व अस्ति। यानी कि कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो पर्व का नाम है वहीं पर चेंजिंग आप लोग को करना है। उसके बाद दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो दीपावली हिंदू नाम पर्व अस्ति, अगर आप बाय द वर्ड अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ईद दे दिया तो यहाँ पर आप लोग को मुस्लिम लिखना पड़ेगा। ईद मुस्लिम नाम प्रमुख पर्व अस्ति, यानी कि यह मुस्लिमों का प्रमुख पर्व है। दीपावली पर्व महम बहु रोचते, यानी कि दीपावली जो पर्व है मुझे बहुत रोचता है, यानी कि अच्छा लगता है। उसके बाद अहम पर्व कार्तिक मासे भवती, हाँ, लेकिन आप लोग को अगर जो भी पर्व होगा, या दीपावली होगा, होली होगा, ईद होगा, दशहरा होगा, छठ होगा, या सरस्वती पूजा होगा, उसमें आप लोग को केवल महीना का नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर लिखे हैं बाबू, अहम पर्व कार्तिक मासे भवती, यानी कि जो इसको हम लिखे हैं दीपावली पर, जो कि दीपावली कार्तिक महीना में होता है, कार्तिक मासे कार्तिक महीना में होता है, इसलिए हम यहाँ पर कार्तिक मासे लिखे हैं। लेकिन अगर आप लोग को दे देगा होली देगा तो यहाँ पर आप लोग फाल्गुन मासे लिखेंगे, यानी कि अहम पर्व फाल्गुन मासे भवती, यानी कि यह पर्व फाल्गुन महीना में होता है। उसके बाद अस्मिन दिवसे सर्वत्र अमोधा भवती, यानी कि इस दिन सर्वत्र, यानी कि सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, सभी, अस्मिनम दिवसे सर्वत्र अमोद भवती, यानी कि इस दिन सभी जगह खुशी होती है, यानी कि सभी जगह इस दिन क्या होती है बाबू, खुशी होती है। अस्मिन दिवसे सर्व जन्ना प्रसन्न दृष्टते, यानी कि इस दिन सभी लोग क्या होते हैं, प्रसन्न और खुश दिखते हैं। हम आशा ना विश्वास करते हैं बाबू कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को फैलाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी कमजोर बच्चे हैं, जिनको संस्कृत पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, वह कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल से पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।